हेलो डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो आई एम योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय रेन रूट सीरीज। और आज हम करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 9, एंड द चैप्टर नंबर 9 इज पर्सनल प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। देखिए, सबसे ऊपर यहाँ येलो बॉक्स में लिखा हुआ है आई, मी, यू, ही, शी, हिम, हर, इट, वी, अस, दे एंड देम। सो ये सारे आते हैं पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में। चलिए, अब प्रोनाउन क्या होता है बच्चों। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। जो वर्ड हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं उन्हें कहते हैं प्रोनाउन। अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। आई, मी, यू, ही, शी, हिम, हर, इट, वी, अस, दे, देम आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ओके, सो मिस्टर शर्मा इज एन ओल्ड मैन। अब हम दोबारा भी मिस्टर शर्मा की बात कर रहे हैं तो हम उनके लिए क्या यूज करेंगे, ही वॉक्स स्लोली, राइट। सो द प्रोनाउन ही इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन मिस्टर शर्मा। तो यहाँ पर जो हमने ही लिखा है वो हमने किसकी जगह पर लिखा है, मिस्टर शर्मा की जगह पर लिखा है, राइट। माधुरी इज हैप्पी, माधुरी खुश है, शी कम्स फर्स्ट इन द क्लास। अब यहाँ पर शी किसके लिए यूज हुआ है, माधुरी के लिए ही हुआ है, बिकॉज प्रोनाउंस वही वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं, राइट। सो माधुरी इज हैप्पी, शी कम्स फर्स्ट इन द क्लास। सो शी किसके लिए यूज हुआ है, नाउन माधुरी के लिए, राइट। सो अब आपको समझ आया कि पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, आई, मी, यू, ही, शी, हिम, हर, इट, वी, अस, दे और देम, ठीक है बच्चों। और इन्हें हम यूज करते हैं नाउन की जगह पर। कई बार ऐसा होता है कि हमें, मान लो एक राहुल लड़का है, उसके बारे में बात करनी है, तो हम कहेंगे राहुल इज़ अ बॉय, राहुल इज़ 5 years old, राहुल इज़ इन class 1, राहुल प्लेज फुटबॉल, राहुल डांसेस वेरी वेल, ठीक है। हमें ज़रूरत नहीं है बार बार राहुल राहुल करने की। हम राहुल की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, राहुल इज़ अ बॉय। एक बार आपने यूज़ कर दिया राहुल का नाम, राहुल इज अ बॉय, ही इज 5 years old, ही स्टडीज इन class 1, ही प्लेज फुटबॉल, ही डांसेज वेरी वेल। सो यही होता है प्रोनाउंस का यूज, कि वो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, और इस तरह से जब हम लिखते हैं तो वो हो जाता है इफेक्टिव इंग्लिश। ओके, सो इस तरह से लिखना इज द करेक्ट वे। बार बार नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उनकी जगह पर्सनल प्रोनाउंस को यूज कर सकते हैं, राइट। सो द प्रोनाउंस कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन्स के लिए भी यूज होते हैं और सिंगुलर नाउन के लिए भी यूज होते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। राइट द करेक्ट प्रोनाउन फॉर द गिवन नाउन्स। तो अब हमें इनके लिए करेक्ट प्रोनाउन देने हैं, राइट। जैसे कि कार, अब कार के लिए क्या देंगे, इट, बिकॉज ये लाइफलेस ऑब्जेक्ट है तो इट हो गया। मिस्टर बीन, ही। ओके, क्रोज का मत, क्रोज तो देम, हम इन्हें देम कह सकते हैं। रेबिका, शी। जिम इज अ बॉय, सो हम इसके लिए यूज करेंगे ही। अब टीचर, हमें नहीं पता कि बॉय है या गर्ल है, तो हम कुछ भी इसके लिए यूज कर सकते हैं, ही भी और शी भी। बॉल, इट। कैमरामैन, ही। मिसेस वर्मा, शी। डॉक्टर के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ही भी और शी भी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नाउ द बी एक्सरसाइज, रिप्लेस द अंडरलाइन नाउन विद प्रोनाउंस एंड रीराइट द सेंटेंस। मैं आपको यहां रिप्लेस करके बताऊंगी, आपको उसे रीराइट करना है। ओके, चलिए। मीनू इज अ नॉटी गर्ल, मीनू टॉक्स अ लॉट इन द क्लास। सो बार बार मीनू लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मीनू इज अ नॉटी गर्ल, शी टॉक्स अ लॉट इन द क्लास, बिकॉज मीनू इज अ गर्ल तो हम शी यूज कर रहे हैं गर्ल के लिए। मिस्टर नंदू इज अनवेल, मिस्टर नंदू हैड फीवर यस्टरडे। मिस्टर नंदू इज अनवेल, ही हैड फीवर यस्टरडे, राइट।
Roses are red. Roses smell sweet. Roses are red. They smell sweet. Okay? So, यहाँ पर they आ जाएगा. Ruby and I are friends. Ruby helps me in my homework. Ruby and I are friends. She helps me in my homework. Jaya was late for school. She ran all the way. This apple tree is very big. The apple tree has tasty fruits. So, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? This apple tree is very big. It has tasty fruits. So, छोटा भी हो गया sentence और देखने में या लिखने में या सुनने में भी वो इफेक्टिव लग रहा है बिकॉज हमने नाउन्स को हटा के अननेसेसरी नाउन्स को हटा के प्रोनाउन का यूज किया है राइट चलिए आगे चलते हैं बच्चों नाउ दिस इज प्रोवोकेशन एक्सरसाइज और इसमें आपको करना है सर्कल द प्रोनाउन्स इन दीज सेंटेंसेस आपको प्रोनाउन्स को सर्कल करना है अंडरलाइन द नाउन्स फॉर विच दे स्टैंड और जिस नाउन के लिए वो यूज किए गए हैं वहां उसको आपको अंडरलाइन करना है नाउन्स को ओके वन हैज बीन डन फॉर यू देखते हैं पहला वाला डिड यू वॉटर द प्लांट्स दिस वीक सुदीप्ता अब हम किससे बात कर रहे हैं सुदीप्ता से सो सुदीप्ता तो हो गई यहां पर नाउन और उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया है यू तो इसे हमने सर्कल कर दिया इसी तरह से हमें आगे भी करना है तो चलिए सेकेंड Look at the bird over there. It is called a humming bird. So, यहाँ पर क्या noun है? Look at the bird over there. It is calling a humming bird. So, ये है pronoun और ये है noun. और ये pronoun इस noun के लिए use किया गया है, right? Pragati is very punctual. Pragati is noun. She is never late for class. So, she use हुआ है प्रगति के लिए. So, she क्या है यहाँ पर? Pronoun. Abhi said that he was going for a walk in the woods. So, Abhi said, Abhi is a noun and he is a pronoun which is used for Abhi. जो use हुआ है noun Abhi के लिए. Right? Last week, Aparna and I bought home a puppy. We named it Shadow. So, puppy is a noun. We named it. ये तो हो गया एक pronoun. It use हुआ है यहाँ पर किसके लिए? Puppy के लिए. किसके लिए use हुआ है बच्चों? Puppy के लिए. अब यहाँ पर और भी है noun Aparna. Aparna is also a noun. और Aparna and I दोनों के लिए क्या pronoun use हुआ है? We. ये we किसके लिए use हुआ है यहाँ पर? Aparna. And I. Okay, चलिए आगे चलते हैं चिराग what are you doing with those matches? So, चिराग is a noun and what are you? Because चिराग से question पूछा जा रहा है तो you है pronoun. What are you doing with those matches? Keep them on the table. अब यहाँ पर matches भी noun है right? Because ये नाम है matches का matches, matches की तीलियों को matches कहते हैं Matches keep them on the table. किसे table पर रख दो Matches को रख दो So ये them किसके लिए use हुआ है यहाँ पर ये use हुआ है बच्चों Matches के लिए right? So एक ही sentence में दो noun भी हो सकते हैं और दो उनके लिए use हुए pronoun भी हो सकते हैं Okay? Elisa and Emma baked an apple pie. Okay? So Elisa and Emma. ये क्या है ये है नाउन बिकॉज हमने इसे अंडरलाइन किया है देन दे वेंट कौन एलिसा एंड एम्मा वेंट टू पिक फ्रेश हर्ब्स फ्रॉम द गार्डन ओके सो इस तरह से हमने उन नाउन को अंडरलाइन किया है जिनके लिए हमने प्रोनाउंस यूज करे हैं राइट आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू नाउ द डी एक्सरसाइज कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग Pronouns. Harsh came home smiling. Harsh घर हंसते हुए आया. He had a big box in his hand. He put the box on the bed. Dash opened it. He showed it. And
He opened it and showed it to everyone was in everyone what was in it. किसको दिखाया उसने, किसको खोला, बॉक्स को खोला. तो अब हम बार बार बॉक्स में लिखेंगे. He opened it and showed it to everyone. और हर एक को दिखाया what was in it. Okay, it was a big toy. So he thanked his father. किसने thank किया? हर्ष ने. हर्ष की ही बात हो रही है. He thanked his father for buying such a wonderful toy for him. किसके लिए? हर्ष के लिए. ओके. ही टुक इट आउट ऑफ द बॉक्स एंड बिगेन टू प्ले विथ इट. ओके. सो इसने उसे बाहर निकाला. किसे बाहर निकाला? टॉय को. एंड बिगिन टू प्ले विथ इट. इट भी किसके लिए यूज हो रहा है? टॉय के लिए यूज हो रहा है, राइट? तो हमने यहाँ पर बात की हर्ष की और टॉय की, राइट? सो इस तरह से बच्चों हम प्रोनाउंस को फिल कर लेते हैं नाउंस की जगह. हम ऐसे भी लिख सकते थे, हर्ष केम होम स्माइलिंग, हर्ष हैज अ बिग बॉक्स इन हिज हैंड, हर्ष पुट द बॉक्स ऑन द बेड, हर्ष ओपन्ड इट एंड शोड इट टू एवरीवन व्हाट वाज इन द बॉक्स, राइट? लेकिन ये बार बार हर्ष 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 ये कुछ लिखना सही नहीं है. हमें किस तरह से लिखना है? हमें नाउंस की जगह पर यूज करने हैं प्रोनाउन और इफेक्टिवली लिखना है, तो हमने इस तरह से लिखा, राइट? हर्ष के लिए हमने ही यूज करा और हिम यूज करा, और टॉय के लिए वी यूज इट, राइट? सो आई होप दैट द पर्सनल प्रोनाउंस आर क्लियर टू यू. अब बच्चों कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक क्या होता है? जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया होता है या कोई स्टोरी दी हुई होती है या कुछ भी आपको रीडिंग के लिए मटेरियल दिया हुआ होता है, आपको उसे रीड करना है केयरफुली, आपको ध्यान से पढ़ना है, और फिर उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आपको आंसर देना होता है. ये होती है कॉम्प्रिहेंशन. तो सबसे पहला काम हमारा कॉम्प्रिहेंशन में होता है कि हमें जो भी टॉपिक दिया हुआ है हम उसे ध्यान से रीड करें. सो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन. और आपके कॉम्प्रिहेंशन का टाइटल क्या है? द कैमल एंड द जैकल. ओके. सो अ कैमल एंड अ जैकल वर फ्रेंड्स. ये दोनों फ्रेंड्स थे. ओके. कैमल एंड अ जैकल दे लिव्ड नियर अ रिवर. वो रिवर के पास रहते थे, नदी के पास रहते थे. वन डे द जैकल सेट ऑन द बैक ऑफ द कैमल. आप यहाँ देख सकते हो एक दिन क्या हुआ, कैमल की बैक पे जैकल बैठ गया. दे वेंट अक्रॉस द रिवर. वो रिवर के उस तरफ चले गए, पार चले गए. दे सॉ मेलन्स एंड फ्रूट ट्रीज देयर. उन्होंने वहाँ पर क्या देखा? फ्रूट की ट्रीज देखे और मेलन्स देखे. द जैकल एट हरिडली. जैकल ने बहुत जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दिया खाना. एंड इट बिगिन टू हाउल. और तेज तेज आवाज निकालनी स्टार्ट कर दी, जैसे जैकल हाउल करता है ना, हाउ करके इस तरह से. कैमल ट्राई टू स्टॉप इट. कैमल ने उसे रोकना चाहा. जैकल सैड दैट इट वॉज इज हैबिट टू हाउल आफ्टर अ हार्टी मील. जब भी वो कोई दिल से खाना खा लेता है, जो खुश हो जाता है जिस खाने को खा के उसका मन, तो उसकी हैबिट है कि उसके बाद वो ऐसे हाउल करता ही है. द फार्मर केम देयर. किसान वहाँ पर आया. ही बीट द कैमल ब्लैक एंड ब्लू. उसने कैमल को बहुत बुरी तरह से पीटा. द कैमल एंड द जैकल डिसाइडेड टू रिटर्न. उन्होंने वापस जाने का डिसाइड किया. द जैकल सेट अगेन ऑन द कैमल्स बैक. जैकल फिर से कैमल की बैक पर बैठ गया. द कैमल बिगेन टू रोल इन द वॉटर. अब कैमल ने क्या शुरू कर दिया? वॉटर में रोल होना स्टार्ट कर दिया. ही टोल्ड द जैकल दैट इट वॉज हिज हैबिट टू रोल आफ्टर अ हार्टी मील. तो अब क्या हुआ, ये उसने जैकल को बताया कि जब उसे उसका मनपसंद खाने को मिलता है तो ये उसकी हैबिट है रोल करने की. बिकॉज उसने क्या खाया था? उसने तो मार खाई थी, राइट? और मेलन्स भी खाए थे, लेकिन उसने सिर्फ जैकल को सबक सिखाने के लिए वाटर में रोल करना स्टार्ट कर दिया. और उससे क्या हुआ? द जैकल वॉज ड्राउंड इन द रिवर. जैकल रिवर में डूब गया. ओके. सो बच्चों अब हमें क्या करना है? हमें देने हैं इस कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स. ओके.
चलिए हम स्टार्ट करते हैं. अ कैमल एंड अ जैकल वर, क्या थे वो? क्या थे वो? फ्रेंड्स, राइट? आप यहाँ पर चाहो तो आप देख भी सकते हैं. यस, वर फ्रेंड्स, राइट? चलिए अब हम आंसर कर सकते हैं सबका. यस, सो अ कैमल एंड जैकल वर फ्रेंड्स. द जैकल एट हरिडली, जल्दी जल्दी खाया. द जैकल सेट ऑन द बैक ऑफ द कैमल. द कैमल बिगेन टू रोल इन द वॉटर. द जैकल वॉज ड्राउंड इन द रिवर, राइट? Now, the B exercises, use the given words in sentences of your own. अपने sentences में हमें ये word को use करके बनाना है, sentences बनाने हैं hurriedly, okay? So, my brother ate pizza hurriedly. हरिडली का मतलब होता है जल्दी से, राइट? माई ब्रदर एट पिज्जा हरिडली. डिसाइडेड, आई डिसाइडेड टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट, राइट? सो इस तरह से हम लिख सकते हैं, आई डिसाइडेड to complete my project tonight, आज ही रात को. Okay? Now drowned. My dog drowned in the river last year. Okay? So, इस तरह से बच्चों आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं. आप कुछ और भी बना सकते हैं, बस आपको मतलब पता होना चाहिए इन वर्ड्स का. हरिडली मतलब जल्दी से, डिसाइडेड मतलब कुछ डिसाइड किया, निश्चय किया, ड्राउंड मतलब डूबना, डूब गया, राइट? सो अब आपको आंसर करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हु वर द फ्रेंड्स? कैमल एंड जैकल, राइट? कैमल एंड जैकल वर टू फ्रेंड्स. व्हाट वॉज द हैबिट ऑफ जैकल? टू मेक अ हाउल. ओके, व्हाई डिड द कैमल बिगिन टू रोल इन वॉटर? टू टीच लेसन टू जैकल. एंड वॉट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? क्या स्टोरी का मॉरल है बच्चों? जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है. ओके, एज यू सो सो शैल यू री. ओके, सो जैसा हम करते हैं, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, राइट? सो वैसा ही सबक मिला जैकल को. सो ये होती है बच्चों कॉम्प्रिहेंशन. और ये यहाँ पर जो लिखा है ये है आपका आंसर नंबर 4, राइट? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? ओके, सो दिस इज मॉरल, एज यू सो सो शैल यू रीप, राइट? सो आई होप दैट दिस कॉम्प्रिहेंशन इज क्लियर टू यू. गो अहेड. Thanks for watching. Have a nice day.